ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिएक्शंस मैकेनिज्म नंबर टू। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है ना वो फोर है। पहले हमारे पास है सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। दूसरा हमारे पास है एलिमिनेशन। तीसरा हमारे पास है एडिशंस, ठीक है, और चौथा हमारे पास है रीअरेंजमेंट्स, ठीक है, रीअरेंजमेंट्स। तो एक एक मैप पे जो है ना 5, 5, 4, 6, 6 जो है ना ये रिएक्शंस होते हैं। इस तरह सब्स्टिट्यूशन में, इलिमिनेशन में E1, E2, सब्स्टिट्यूशन में SN1, SN2, एडिशन में भी, और फिर रीअरेंजमेंट, एक इस तरह का मतलब है कि सिलसिला है, कंटिन्यूस है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है फ्री सब्स्टिट्यूशन से हम स्टार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, ये आज का हमारा लेक्चर से, और हम सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशंस का रिएक्शन जो है ना ये आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, ये वहां भी पढ़ा होगा। ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन को हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, यानी कि फ्लोरिनेशन और फ्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन, इसका हम करेंगे मीथेन के साथ और ईथेन के साथ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि हमारे पास ये है एक ये है, ठीक है, और इसमें हम इसको एक करते हैं, सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, इसको कहते हैं सब्सट्रेट्स और इसको कहते हैं रिएजेंट्स। सब्सट्रेट्स इनको कहते हैं जिसमें कोई चेंज होने वाला है, ठीक है, और ये चेंज कौन करेगा, ये रिएजेंट्स करेगा। ठीक है, और ये हमारे क्या प्रोडक्ट देगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो है ना इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, रिप्लेस करेगा किसमें, तो ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसने इसको सब्स्टिट्यूट किया, रिप्लेस किया, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले के क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन्स का। ठीक है, तो इस तरह पहला स्टेप जो है ना ये है CH4+Cl2। ठीक है, जब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सनलाइट से, ठीक है, और ये पर ऑक्साइड यूज करेंगे, ठीक है, या हाई टेम्परेचर से, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा CH3Cl+HCl। ठीक है, ये देगा, अगर फिर भी हम इसको यहां पर भी क्लोरीन ऐड करें तो क्या देगा, तो ये हमें देगा CH2Cl2। ठीक है, और HCl भी जो है ना रिमूवल, ये किस तरह है, हम आप स्टेप वाइज और मैकेनिज्म के साथ करेंगे। फिर भी क्लोरीन ऐड किया तो क्या जाएगा, ये आएगा CHCl3 और यहां से HCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर हमने Cl2 ऐड किया तो ये CCl3 और HCl आएगा। ठीक है, इस तरह, इसका मतलब है कि अगर ये एक्सिस में है, अगर क्लोरीन एक्सिस में है तो प्रोडक्ट ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। अगर प्रोडक्ट ए एक्सिस में है और एलिमिनेटेड है तो सीधी सी बात है कि रिएक्शन मतलब है कि जितना क्लोरीन का मैच के साथ कंबाइन होगा तो ये बनेगा। फिर तो क्लोरीन है ही नहीं कि रिएक्शन को आगे ले जाए, तो इसका मतलब यह है कि जो है ना ये प्रोडक्ट डिपेंड करता है किस चीज पर, क्लोरिनेशन, क्लोरीन पर, या यहाँ जो रिएजेंट्स हो। ठीक है, तो मतलब है कि जितना एक्सिस में क्लोरीन हो तो वो इतना हमें ये प्रोडक्ट्स ज्यादा देंगे। अब चलते हैं इसकी मैकेनिज्म पर, कि इसका मैकेनिज्म किस तरह होता है। ठीक है, तो
इसका मैकेनिज्म किस तरह का ये स्टडी करते हैं। ये हमारे पास है मीथेन CHO4 वेसल Cl2, इसका हम क्लोरीनेशन के करते हैं। ये है हमारे पास प्रोटॉन और ये या पर ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ये हमें क्या करके ये हमें देगा CH3Cl+HCl, ठीक है। तो इसका पहला जो स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं चेन इनिशिएशन है, ये फ्री रेडिकल से। तो चेन इनिशिएशन में क्या होता है, फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होता है, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस। चेन इनिशिएशन में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा, किस तरह। ये हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन है, ठीक है। इस पर हम सनलाइट या फोटॉन्स डालते हैं या परऑक्साइड या हाई एनर्जी टेम्परेचर्स देते हैं या सनलाइट देते हैं, तो ये क्या इसमें होमोलिटिक फिजन हो जाएगा। होमोलिटिक फिजन के दोनों इक्वल पार्ट्स में डिले ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इसको हम होमोलिटिक फिजन कहते हैं। तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल हो जाएगा और ये दूसरा भी क्लोरीन रेडिकल रेडिकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है ना होमोलिटिक फिजन हुआ है। होमोलिटिक के मतलब कि बॉन्ड जो है ना ये इक्वल में डिवाइड हुआ है। अब ये जो क्लोरीनेशन का स्टेप है, ये फ्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, आयोडीन के लिए, सब के लिए क्या है, सब के लिए ये है एंडोथर्मिक। ये सब के लिए क्या है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक, क्योंकि हमने सनलाइट दी, एनर्जी दी, तो और बॉन्ड ब्रेक किया, तो इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है चेन प्रोपागेशन, मतलब कि इस चेन को हम आगे कैसे ले जाएंगे, चेन प्रोपागेशन, ठीक है। चेन प्रोपागेशन में क्या होगा, क्योंकि ये हमारे पास फर्ज करें हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें मीथेन मॉलिक्यूल्स भी है और क्लोरीन भी है, और सनलाइट की पड़ने से क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब ये क्लोरीन देखेगा, क्योंकि जब ये फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं तो ये हाईली रिएक्टोस होता है। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, जो कंटेनर्स में CH4 मॉलिक्यूल है उन पर अटैक करेगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टोस है। तो ये क्या करेगा, यह एक मीथेन मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है, मीथेन मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, तो जब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये जो चेन प्रोपगेशन है, तो ये जो फ्री रेडिकल इसमें आया है, तो ये मोर फ्री रेडिकल बनाएगा, किस तरह वो हम पढ़ते हैं, मोर फ्री रेडिकल्स बनाएगा, ठीक है, किस तरह। अब ये जो है ना फ्री रेडिकल इन पर अटैक करेगा तो क्या करेगा, ये जो है ना यहाँ भी होमोलिटिक फीचर्स हो जाएगा और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि ये एच जो है ना ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल क्लोरीन रेडिकल से भी मिल जाए, या ये क्लोरीन रेडिकल जो है ना ये इस कार्बन से भी मिल जाए, लेकिन क्या है, क्योंकि ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होता है बनिस्बत क्लोरीन के साथ, मतलब कि क्लोरीन का जो है ना बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड स्ट्रांग है बनिस्बत कार्बन के साथ, तो ये क्लोरीन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है बनिस्बत कार्बन के साथ, और ये और क्या बच जाएगा, बच जाएगा CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये CH3 फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये CH3 फ्री रेडिकल भी हाईली जो है ना रिएक्टिव है, तो ये किस पर, ये कहेगा कि ये मुझे किसने बनाया, तो ये कहेंगे क्लोरीन से, क्योंकि कंटेनर से बीकर्स में जो है ना वो भी क्लोरीन और मीथेन पड़ा हुआ, तो फिर ये किस पर अटैक करेगा, ये क्लोरीन पर अटैक करेगा। अब यहाँ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स पड़ा हुआ है और ये CH3 क्या करेगा, ये CH3 आकर इन पर अटैक करेगा, ठीक है। जब ये अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें भी होमोलिटिक फिजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये CH3HCl के साथ कंबाइन होके CH3Cl बनेगा, ठीक है, मीथेन क्लोराइड और दूसरा क्लोराइड फ्री रेडिकल्स बन जाएगा। अब यहां देखिए ये एक चेन की तरह है, मतलब कि ये क्लोराइड जो है ना
ये फिर मीथेन पर अटैक करेगा, इस तरह बनेगा, ठीक है। ये मिथाइल फ्री रेडिकल फिर अटैक करेगा किस पर, क्लोरीन पर। तो ये स्ट्रिप जो है ना इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। ये स्ट्रिप इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। लास्ट में हाँ, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है इन रिएक्शंस के बारे में, तो चेन प्रोपगेशन जो है ना ये एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। और फ्लोरीन के लिए तो हाईली ज्यादा एक्सोथर्मिक है, और आयोडीन के लिए ये क्या है, एंडोथर्मिक है। आयोडीन के लिए ये क्या है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। ये पहला स्टेप तो सारे के लिए एंडोथर्मिक है, लेकिन दूसरा जो है एक्सोथर्मिक है और आयोडीन के लिए एंडोथर्मिक है, ये चेन प्रोपगेशन वाले, ठीक है। इस तरह ये चलता रहेगा जब तक ये मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाए। तो तीसरा जो स्टेप्स है हमारे पास, तो वो होगा चेन टर्मिनेशन, ठीक है, चेन टर्मिनेशन। तो चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, चेन टर्मिनेशन में जो है ना, चेन टर्मिनेशन में हम ये करेंगे कि जितने भी फ्री रेडिकल्स बने थे तो इसको हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो चेन टर्मिनेशन अगर आप लोगों ने देखा था तो चेन प्रोपगेशन में दो फ्री रेडिकल्स बने थे, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बना था, ठीक है, और दूसरा मिथाइल फ्री रेडिकल्स बना था। अब यहाँ क्या करेंगे, अब ये जो चेन टर्मिनेशन है इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि क्लोरीन फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाए क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ तो क्या बनेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बनेगा, Cl2, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मिथाइल फ्री रेडिकल्स, और होता भी है, मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होके इथेन बनेगा, C2H6, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाए क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ और क्या बनाए, मिथाइल क्लोराइड्स बनाए, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स ये भी है, मतलब है कि मेजर से और ये माइनर है। अगर क्वेश्चन दिया गया कि क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन में मीथेन या इस तरह इथेन बन सकता है, तो यस बन सकता है, क्योंकि हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। अब जो है ना इसको हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्ट्रिप्स, तो इस तरह ये बन गए CH3Cl, जो है ना लास्ट में ये रिजल्ट्स आया, ठीक है। और HCl तो वहाँ से भी बनता था, HCl तो हमने मतलब है कि जगह जगह जो है ना वो बना रहा था। अब ये रिएक्शन हम स्टॉप नहीं करेंगे, इसको अगेन रिवाइज करेंगे, ठीक है। किस तरह देखिएगा, ये हमारे पास अब प्रोडक्ट आया था CH3Cl, ठीक है। अब ये CH3Cl अगर क्लोरीन एक्सिस में हो तो ये रिएक्शन आगे जाएगा, ठीक है। अब हम दोबारा दूसरा क्लोरीन को ले आते हैं, ठीक है, और यहाँ हम सनलाइट देखिए, ये जो एनर्जी, ये जो सनलाइट हम यूज करेंगे, ये हम सिर्फ चेन इनिशिएशन के लिए, फिर रिएक्शन आगे हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CH2Cl और HCl, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप में वो जो हमने पढ़ा कि ये प्रोडक्ट आया था, अब अगर क्लोरीन एक्सिस में हो तो ये फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये प्रोडक्ट देगा। अब इसके लिए मैकेनिज्म्स क्या है, तो इसके लिए मैकेनिज्म्स फर्स्ट जो है ना स्टेप वो है इनिशिएशन, ठीक है, वही तरीके से करना है। पहले क्या करना है कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल से हम इस पे सनलाइट होमोलेटिक फ्यूजन करेंगे, ठीक है, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल से बन जाएगा, ठीक है। दूसरा जो स्टेप से वो है प्रोपगेशन, ठीक है। प्रोपगेशन में क्या होगा, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल से अटैक करेगा इस पर, इस मॉलिक्यूल्स पर, ठीक है, इस मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा कौन, फ्री रेडिकल्स। तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, होमोलेटिक फ्यूजन हो जाएगा, और फिर बता दिया था कि क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड जो है ना ये स्ट्रांग होता है बनिस्बत कार्बन के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2Cl फ्री रेडिकल और ये HCl,
ठीक है, ये जो है ना क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ HCl और एक जो है ना इस पर फ्री रेडिकल का रूप में फ्री रेडिकल से आया। ठीक है, अब ये क्या के लिए मुझे CH2 या फ्री रेडिकल मुझे किसने बनाया, तो ये क्लोरीन, तो ये दोबारा क्लोरीन पर अटैक करेगा क्योंकि बीकर्स में तो यही दोनों पड़ा है। ठीक है, तो CL पर कौन अटैक करेगा, CH2 CL अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी होमोलेटिक फ्यूजन्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या बन जाएगा, CH2Cl2 बन जाएगा। ठीक है, और HCl बन जाएगा। ठीक है, फिर हमारे जो स्टेप है वो है टर्मिनेशन है, हमारा जो स्टेप है वो क्या है, टर्मिनेशन लास्ट। तो ये जो है ना ये फ्री रेडिकल्स हम कंबाइन करेंगे, तो कौन कितने फ्री, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बना हुआ था, यहाँ देखिए ये। ठीक है, और दूसरा कौन ये बना हुआ था, यहाँ देखिए ये, और यहाँ ये जो बना हुआ था, तो CH2Cl फ्री रेडिकल्स बना हुआ था। अब इनको आप कंबाइन कीजिए, जैसे कि क्लोरीन फ्री रेडिकल कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, Cl2 बनेगा। अब CH2Cl कंबाइन होगा CH2Cl के साथ तो क्या बनेगा, CH2Cl बनेगा। ठीक है, और CH2Cl फ्री रेडिकल कंबाइन होगा क्लोराइड फ्री रेडिकल के साथ तो क्या बनेगा, CH2Cl2 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह ये फाइनल प्रोडक्ट्स आते हैं, बाकी जो स्टेप्स हैं वो आप खुद कीजिए। ठीक है, आप क्लोरीन बाकी जो स्टेप्स हैं वो आप खुद कीजिए, और मतलब कि जितने एक्सेस आप क्लोरीन हो तो ये रिएक्शंस आगे जाएगा, जिस तरह में फिर क्या बनेगा, मतलब है कि CH2Cl2 के साथ हम क्लोरीन्स को रिएक्ट करेंगे, तो CHCl3 प्लस HCl, इसका भी वही जो मैकेनिज्म से मैंने पहले दो के लिए ड्रा किया, दो स्टेप्स के लिए आप भी, लेकिन ये एक्सेस ऑफ क्लोरीन्स में, और फिर लास्ट में जो है ना CHCl3 प्लस Cl2 यह रिएक्ट करेगा तो CCl4 प्लस HCl बन जाएगा। तो इस तरह ये रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल्स का। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स, तो हम कहेंगे कि ये जो हम ब्रोमिने, जिस तरह हमने क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन किया, तो इस तरीके से हम ब्रोमिनेशन का भी करेंगे, थोड़ा चेंज है लेकिन इस तरह ही करेंगे। लेकिन क्लोरीन और आयोडीन का क्यों नहीं करेंगे, तो उनके लिए कुछ रीजन है। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप है हमारे पास इनिशिएशन वाला स्टेप था। ठीक है, इनिशिएशन वाले जो स्टेप में है, तो इनिशिएशन वाले में अब ये जो रिएक्टिविटी है इसका ऑर्डर ये है। ठीक है, तो इनिशिएशन में क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, तो बॉन्ड जो है ना ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी जो चाहिए वो फ्लोरीन के लिए, याद देखिए हमें फ्लोरीन के लिए क्यों चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो है ना ये स्मॉल है, और फ्लोरीन का साइज जो है ना ये स्मॉल है, और इस स्मॉल साइज में जो है ना 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या, ये रिपल्शन कास्ट करेगा, और इसके लिए लेस एनर्जी चाहिए ताकि उनके बॉन्ड्स ब्रेक जाए। ठीक है, ताकि उसके बॉन्ड ब्रेक जाए लेस एनर्जी चाहिए, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, तो पहले क्लोरीन के लिए, फिर ब्रोमीन के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि उनके बॉन्ड को ब्रेक की जाए, फिर फ्लोरीन, और फिर जो है ना आयोडीन, क्योंकि आयोडीन के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि इनका साइज इनकी बनिस्बत ज्यादा है, तो उनके लिए कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब जो दूसरा स्टेप हमने कहा कि फ्लोरीन जो है ना ये हाईली एक्सोथर्मिक है, एक्सेप्ट दोनों के से, तो हाईली एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास
फ्लोरीन है, ये फ्री रेडिकल्स बनाएगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने मीथेन पर अटैक किया, ठीक है, मीथेन पर अटैक किया तो सी3 फ्री रेडिकल बनाएगा और HF, हाँ ये ऐसा कहते हैं। लेकिन ये हाई रिएक्टरों से ये जो फ्लोरीन रेडिकल्स बनते हैं ये क्या है, ये हाई रिएक्टरों से और ये लैब में नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा एनर्जीज देते हैं, क्योंकि इनका जो डेल्टा जी है वो हमें दिखाता है उसका डेल्टा जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो ये हमें बता रहे हैं कि इसका रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से हम इसको लैब में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और इसको मतलब है कि अगर हम इसको नहीं बना सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, सी3F को नहीं, तो हम इसको किस तरह बनाएंगे, तो इसके लिए एक मेथड है जिसे कहते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड, हैलाइड एक्सचेंज मेथड्स, ठीक है। हैलाइड एक्सचेंज मेथड ये एक मेथड है जो हमारे ख्याल में सब्स्टिट्यूशन में होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ जो है ना CH3 सी ए, ठीक है, और या हम यूज करेंगे AgCl और AgF, ठीक है, और ये हमें देगा HgF2 और ये SbF3, ठीक है। तो यहाँ क्या ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये CH3F देगा ये इस तरह, ठीक है। तो ये रिएक्ट होके AgCl और CH3FO, तो इस तरह इसको हम इस मेथड से बनाएंगे, ठीक है। ये और बाकी जो है ना ये हम लैब भी नहीं कर सकते क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक के बम जैसा है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो हमने बताया था तो वो है आयोडीन्स। तो आयोडीन्स को हम क्यों परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो एंडोथर्मिक है, देखा गया कि वो क्या है, वो एंडोथर्मिक है, वो फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप तो सबके लिए एंडोथर्मिक है, लेकिन सेकंड स्टेप जो है ना वो भी एंडोथर्मिक है, इनके लिए हम एनर्जी देंगे, ठीक है। यहाँ आप देखिए कि ये हमारे पास CH4+I2, तो ये क्या बनेगा, CH3+HI बनेगा। अब यहाँ देखिए ये एक तो ये एक्सोथर्मिक है और दूसरा जो ये एंडोथर्मिक है, हाई एंडोथर्मिक है, दूसरा जो ये मसला करते हैं ये जो है ना ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट्स है, तो ये क्या करेगा, ये इसको दोबारा रिवर्स करेगा, क्योंकि ये इसको वापस इसमें प्रोडक्ट्स तब्दील करेगा, चेंज करेगा, तो इसलिए इसको हम परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। लेकिन हम इसको तैयार कैसे करेंगे, प्रिपेयर कैसे करेंगे, मतलब के और मेथड्स में, तो इसके लिए हम स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करेंगे, तो ये जो है ना ऑक्सीडाइज करके क्या है कि इसको ये हाइड्रोजन जो है ना इससे अलग कर देगा, तो वो जो है ना HIO3 ये जो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो ये रिएक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इस तरह हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन से वो पढ़ेंगे सारे एक एक, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो उनसे मुस्तफ़ीद हो जाए। थैंक यू।